अब हम वापस आ चुके हैं आज दोबारा आपके साथ शेयर करने के लिए हमारी हेयर एक्सटेंशन जो हमने कल आपको दिखाई थी कि वो कैसी है कैसी नहीं। तो ये हैं जी हेयर एक्सटेंशंस एंड ये हैं जी जिब्राइल के अपने बाल। अगे हो जिब्राइल पुत्र, तो हमारी जो मॉडल है वो जिब्राइल है। तो ये देखें बाल, इसके बालों का ये कलर देखें, बिल्कुल जेलिन हो गया ये देखें। तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसको ट्राई करना है, इनके सारे क्लिप्स मैं देखूंगी क्योंकि माशाल्लाह इसके बाल अच्छे हैं। हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा चाहिए, वहां पे हम इसकी एक्सटेंशंस लगा लेंगे। ये सिंगल भी हैं, छोटी भी हैं, लाइक वन क्लिप भी है, टू क्लिप्स हैं, थ्री क्लिप्स हैं, फोर क्लिप्स हैं, तो ऐसे ही क्लिप्स इनके बढ़ भी जाते हैं। तो अब हम देखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि जिब्राइल के बालों में लगाते हैं कि उसको कितनी चाहिए एक्सटेंशंस और वो कैसी नजर आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का व्लॉग और होपफुली कि आपको अच्छा लगेगा। चलिए जनाब, तो आज मैंने कहा आपको दिखाऊं कि ये लगाते कैसे हैं। मैं जिब्राइल को लगा रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को सही तरीके से डेमोन्स्ट्रेट कर सकूं। ये देख लें, ऐसे हम करेंगे और जिब्राइल ये बाल पकड़ो आपने, उतू ही पकड़ी थी। इट्स ओके, ये पकड़ लिया हमने हेड अप, ये हमने किए। और यहाँ से मैं ले रही हूँ जी ये जो सबसे बड़ी वाली इसकी एक्सटेंशन है ना वो वाली, और मैंने इसको लगाना है अब। बड़ा सिंपल एंड इजी है इसको क्लिप इन करना ऐसे। चलो जिब्राइल उठे करो बाल, पीछे अपने बाल करो। ये देखें अभी जिब्राइल के बालों में ना जेल इन हो गए हैं, ये देखें। अच्छा आगे करो एक सेकेंड। और अगर आपको यहाँ पे चाहिए कुछ वॉल्यूम, इसके ना डिफरेंट उन्होंने पीसेस दिए हुए हैं, डिफरेंट साइज के पीसेस हैं, तो जो पीस आप मर्जी लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ना ब्लेंड इन हो गए। तो गुम हो गई ये। अच्छा जी यूं करते हैं, हम एक इधर लगाते हैं ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा ना वॉल्यूम दें। जिब्राइल इसको पकड़ो, यस बिल्कुल इंजे। अब हम ये सेकंड वाला क्लिप लगा रहे हैं, सिंपल एंड इजी है, बहुत सिंपल एंड इजी है। नहीं इधर नहीं, थोड़ा सा हमें मूव करना चाहिए इसको इधर। सीधी हो जाए, ओके जी। चलें तो ये देख मैंने अपना जिब्राइल के बाल ऐसे लगा दिए हैं, ये देखे जरा, ये जरा चेक कर लें जिब्राइल के बाल कितने हेल्दी एंड कितने वो देखे, बिल्कुल ब्लेंड इन हो गए हैं उसके बाल। अगर आप देखें तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि बाल जो है ना जिब्राइल के, मैंने इसमें एक्सटेंशन लगाई है, ये देखें। और अगर जिब्राइल जरा तुम ऊपर हो बेटा, इतने खड़ी हो जाए थोड़ी, और ये देखें लेंथ भी देखें जिब्राइल के बालों के साथ, ये बिल्कुल मैच कर गई, ये देखें। तो जरा चेक कर लें आप, और मुझे तो बड़े ही पसंद आए हैं, सीरियसली बहुत अच्छे हैं। स्पेशली अगर आपके बाल थोड़े लाइट हैं हल्के हैं तो उनके लिए तो परफेक्ट है। अगर आपके बाल थोड़े हैवी भी हैं, जैसे हम लोगों के माशाल्लाह अच्छे बाल हैं, लेकिन फिर भी जब आप उसमें एक्सटेंशन लगाते हैं तो आपके बालों को एक बड़ा अच्छा सा ना वॉल्यूम मिल जाता है। जी जनाब, तो आपके साथ शेयर की है जी बड़ी मज़े की चीज़। अगर आपके बालों का वॉल्यूम कम है, कुछ लोगों के बाल नेचुरली बहुत ज़्यादा थिन होते हैं और हेयर स्टाइलिंग करने में उनको मुश्किल हो रही होती है, तो आप यकीन करें आप उसको जाके ख़रीदें, ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बाल हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप लोगों ने कोई एक्सटेंशन लगाई हुई हैं। तो जनाब ये काम तो हो ही रहे हैं, साथ में भी याद है कि खाना भी तो बनाना है जनाब, ये ब्यूटी के साथ साथ आपको घर भी चलाना है। तो मैंने कहा चलें आज बनाते हैं चिकन पुलाव। पुलाव बना रही थी तो मुझे याद आया कि मैंने आज सुबह से सोचा था कि मैं बखूर जलाऊंगी, और पता नहीं क्यों मेरे जहन से ही निकल गया। तो मैंने कहा, वो कहते हैं ना कि इट्स नेवर टू लेट, तो मैंने कहा चलो ये भी जला लेते हैं, घर में एक अच्छी से खुशबू हो जाएगी। तो ये जलाते हैं, साथ में खाना तैयार करते हैं। सीरियसली आज का दिन मैंने बड़ा ही बिज़ी गुजारा है, मैंने आज इतने काम किए हैं, इतने काम किए कि अब मैं खुद थकी पड़ी हूँ। सीरियसली मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अब खाना खाऊँ कि मुझे रेस्ट कर लूँ, मैं मुझे बड़ी थकावट हो रही थी, आज मैंने बड़े ज़्यादा काम किए बाहर के।
तो बस जनाब ये देखें इसको मैंने जला लिया, ये अपनी जगह पे पहुंच गया और यहाँ पे खाने की तैयारी हमारी ज़ोरों शोर पे जारी है। जिब्राइल को मैंने बोला कि चलो इसको रायता मिक्स करना बड़ा अच्छा लगता है, मैं सब चीज़ें बना देती हूँ इसको, ये मिक्सिंग वाला प्रोसेस इसको बड़ा पसंद है, तो ये मिक्सिंग वगैरह करेगी, मैं जाके खाने कंप्लीट करूँगी फिर खाना खाएंगे। और मैंने आज मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना कि अभी मुझे सोना है, क्योंकि कभी कभी ना आपकी बॉडी आपको बताती है कि इस टू मच हो रहा है आपकी बॉडी के साथ। आज मैंने सारा दिन काम भी किए, काफ़ी ज़्यादा डीप क्लीनिंग्स वगैरह भी मेरी थी वो मैंने की हैं, उसके बाद मैं बाहर गई, 3-4 काम मैंने बाहर के करने थे वो मैंने किए हैं, वापस आके हम कॉफ़ी पीने गए, कॉफ़ी पी के आके फिर मैंने आके ये सारी कुकिंग का प्रोसेस किया है। तो आज मेरी वो कहते हैं ना कि बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि हाथ धोई पड़ी है, लेकिन चूँकि पुलाव खैर से रेडी हो चुका है, शामी कबाब बन रहे हैं, पुलाव जब बन जाता है ना दम लग जाता है, तो यकीन करें फिर मेरे से ख़ुद से सब्र नहीं होता, तो मेरा दिल करता है जल्दी जल्दी बस मैं पुलाव निकालूं और मैं इसको खा लूं, मज़ा आ जाता है सीरियसली, बहुत मज़े का बनता है मेरा पुलाव। और यहाँ पे जिब्राइल की एक्साइटमेंट चेक करें, मैं कहती हूँ कभी कभी ना कुछ बच्चों में ना बचपन से कुछ चीज़ें होती हैं, मुझे जिब्राइल का ना शुरू से अभी नज़र आता है कि इसका बड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है कुकिंग में, क्लीनिंग में, इन चीज़ों में, और मैं इसको देखती हूँ ना तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है कि मैं भी ऐसी थी, मेरा दिल चाहता था कि मैं सारे काम करूँ, तो इसलिए ना मैं जिब्राइल को इनक्रेज भी करती हूँ, मैं उसको डिस्करेज नहीं करती कि ना करो, अगर वो कोई काम थोड़ा तेज़ी में उससे सही नहीं भी होता ना तो मैं उसको हमेशा इनक्रेज करती हूँ कि नहीं ज़रूर करो, अगर तुम्हारा दिल है तो आके कर लो। आप ज़रा देखें चावलों का मैंने दम खोला और ज़रा आप चावलों की ना शक्ल चेक करें, पुलाव चेक करें भाई जनाब, क्या गरम गरम धुएँदार पुलाव निकल रहा है। और मैं जब बनाती हूँ ना, अच्छा मैं कुछ लोग होते हैं ना अपनी चीज़ खुद तारीफ़ नहीं करते, खुद शौक से नहीं खाते, मैं तो बड़े शौक से खाती हूँ अपने हाथ का बना खाना। हाँ पता नहीं जब मैं दावतें करती हूँ ना तो दावत का खाना मुझसे नहीं खाया जाता अपना शौक से, नेक्स्ट डे मैं उसको गर्म करके दोपहर के वक्त या रात के वक्त खा लूँगी, लेकिन सेम डे दावत वाले दिन ना मेरा बिल्कुल भी अपना खाना खाने पे दिल नहीं करता, मेरा दिल चाहता कि बस मैं लोगों को सर्व करूं एंड दैट इज़ इट, मुझे और कुछ भी नहीं करना, लेकिन अदरवाइज़ तो मैं बड़ा इन्जॉय करती हूं अपना खाना। और मैं अम्मी से ना आजकल बड़ा पूछती हूं, मैं कैसा लग रहा है कैसी चीज़ बनी है, तो अम्मी कहती हैं बड़ी अच्छी बनी है, अम्मी रोज़ रोज़ कहती हैं बड़ी अच्छी बनी है, तो उसके बाबा कहते चाची ये अपना आदि हो जाए, ये रोज़ पूछेगी आपसे, ये जब जब खाना बनाती है ये रोज़ रोज़ पूछती है कि खाना कैसा बना है, तो अब अम्मी भी आदि हो गई हैं मेरे मियाँ की तरह, क्योंकि खाना मैं सर्व करते साथ ही ना पहले ये पूछती हूँ कि खाना बना कैसे, खुशबू के साथ ही मुझे बता दें। तो बस जनाब एक लंबा सा दिन गुजारने के बाद अब हम लोग खाने की टेबल पे आ चुके हैं, खाना अम्मी स्टार्ट करती हैं और उसके बाद फिर बच्चे और जाना के बाबा और मैं, हम लोग भी साथ ही बैठ के खाना खा लेते हैं। रात के टाइम बच्चे अक्सर खाना हमारे साथ टेबल पे नहीं बैठते हैं, वो खाना लेके ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पे बैठ के अपना डिनर इन्जॉय करते हैं। तो बस जनाब जी यही था जी मेरा एक लॉन्ग डे और मज़े की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, मिलती हूँ कल आपके साथ इंशाल्लाह ताला सेम टाइम पे, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।